हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए, इज इंडिया डूइंग इनफ टू टैकल क्लाइमेट चेंज। क्या इंडिया इतना काम कर रहा है कि क्लाइमेट चेंज को रोक पाए। देखते हैं। इन ए हिस्टोरिक फर्स्ट, ऑल 190 सिग्नेटरीज टू 28th यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी COP28 अडॉप्टेड एन एग्रीमेंट टू ट्रांजिशन अवे फ्रॉम ऑल फॉसिल फ्यूल। तो ये पहली बार हुआ है ऐसा। एज अपोज टू ओनली कोल एज वॉज एग्रीड अपॉन COP26 इन ग्लासगो। इंडिया हैड प्लेड अ पिविटल रोल इन गैस ग्लो इन मॉडिफाइंग द लैंग्वेज फ्रॉम फेजिंग आउट ऑफ कोल टू फेजिंग इट डाउन। तो इंडिया फेज आउट करने के फेवर में नहीं था, बोल रहा था फेज इट डाउन करो। अनसरप्राइजिंगली इट सपोर्टेड द इनकम्बेंट COP प्रेसिडेंट सुल्तान अहमद अल जबेर फ्रॉम द UAE व्हेन ही प्रपोज अ ट्रांजिशन अवे फ्रॉम द ऑयल एंड गैस एज अपोज टू फेजिंग आउट एज डिमांड बाय सेवरल डेवलप्ड कंट्रीज एंड स्मॉल आइलैंड नेशन। एज द थर्ड लार्जेस्ट एमिटर ऑफ ग्रीन हाउस गैस। कौन है थर्ड लार्जेस्ट, कौन है जल्दी बताओ। इंडिया है, हम लोग हैं। एल्बेट्स विद अ ड्रास्टिकल स्मॉल पर कैपिटा एमिशन रेट। सबसे ज़्यादा पर कैपिटा स्मॉल किसका है, हमारा है। थर्ड लार्जेस्ट भी है पर कैपिटा भी कम है, ऐसा कैसे, ये क्या समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो पॉपुलेशन के हिसाब से तो हम लोग बहुत कम एमिट कर रहे हैं, पर थोड़ा थोड़ा मिल के भी 150 करोड़ लोग इतना ज़्यादा कर दे रहे हैं कि थर्ड लार्जेस्ट हो जा रहा है। ठीक है। शुड इंडिया सेट अ हायर बार टू मिटिगेट एंड अडेप्ट क्लाइमेट चेंज, ये इन्होंने पूछा है। अब देखो, वॉट आर योर थॉट्स ऑन UAE कंसेंसस अडॉप्टेड एट COP28। हरजीत सिंह कौन है, ग्लोबल पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल, यही है। द सी ओ पी हैज़ बिन डिफरेंट फॉर मेनी रीजन। इट वॉज हेल्ड इन ए पेट्रो स्टेट एंड हेडेड बाई ऑयल कंपनी चीफ, बट द आउटकम्स हैव अनप्रेसिडेंटेड एंड हिस्टोरिक। द लॉस एंड डैमेज फंड हैज़ बिन ऑपरेशनलाइज विच वॉज अ हार्ड वॉन विक्ट्री। तो लॉस एंड डैमेज फंड इस यहाँ पे बात होगी, हमने देखा है। द टेक्स्ट UAE कंसेंसस इज हिस्टोरिक बिकॉज द फर्स्ट टाइम इट टेक्स अबाउट ट्रांजिशनिंग अवे ऑफ फॉसिल फ्यूल, ये भी पहली बार हो रहा है। इन एनर्जी सिस्टम इन अ जस्ट ऑर्डरली एंड इक्विटेबल मैनर, ऑफकोर्स एज सिविल सोसाइटी आर डिमांड वॉज फॉसिल फ्यूल फेज आउट विच डिड नॉट हैपन। देर वर अ लॉट ऑफ मैंशन सो कॉल जीरो टू लो एमिशन टेक्नोलॉजी सच एज रिन्यूएबल, दैट इज़ फाइन, बट न्यूक्लियर अबेटमेंट रिमूवल टेक्नोलॉजीज कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन स्टोरेज एंड लो कार्बन हाइड्रोजन प्रोडक्शन एंड मैसिव लूप होल्स विच आर गोइंग टू प्रोवाइड कवर टू दी फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री टू प्रोलोंग इट्स बिजनेस। ठीक है। कार्तिक, डू यू व्यू द COP28 आउटकम एज बींग रीजनेबल, वॉट डू यू थिंक इज द रोल ऑफ डेवलपिंग अवर कंट्रीज इन दिस रिगार्ड। तो क्या लग रहा है कि ये रीजनेबल है, इनसे बोला जा रहा है। कार्तिक जी देखो कौन है, पहले ये भी देख लो। कार्तिक गणेशन, अ डायरेक्टर रिसर्च कोऑर्डिनेशन काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर। तो भाई दोनों में दोनों लोग पढ़े लिखे हैं, अच्छे पोजीशन पर है, तो हमें जानना जरूरी है। जस्ट टू क्लेरिफाई, इट इज़ एक्चुअली द फेजिंग आउट ऑफ फॉसिल फ्यूल सब्सिडीज, बट रियली इट इज़ ट्रांजिशनिंग अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल इन एनर्जी सिस्टम एंड फेजिंग डाउन द अनबेटेड यूज ऑफ कोल। इट्स मेज ऑफ वर्ड। वॉट इज क्लियर is that subsidies for fossil fuel must go, but the reality is that if you don't have alternative to fossil fuel, you have to keep subsidizing them because a large part of the population still relies on these subsidies to consume energy. So without the active phase out of this commodities, phasing out subsidies alone is very unlikely. आपके पास फॉसिल फ्यूल को छोड़ के कोई दूसरा ऑप्शन है अभी, पहला क्वेश्चन। जब नहीं है तो उसको कैसे हम लोग हटा दें, उसके ऊपर से सब्सिडी हटा दें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो अभी भी सब्सिडी के यूज़ करते हैं एनर्जी को लेने के लिए, और वो एनर्जी आती है आपके फॉसिल फ्यूल से। हैविंग सेड दैट, यस दिस इज डिजायरेबल आउटकम, क्या ये डिजायरेबल है? नो, इट इज़ अ प्रिटी वीक इन टर्म्स ऑफ एम्बिशन। डेवलपिंग कंट्रीज विल कीप ब्रिंगिंग बैक टू द टेबल द प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंसिंग एंड दैट विल बी अ रीजन फॉर अ लैक ऑफ एक्शन ऑन देयर पार्ट। दिस इज वेर इट बिकम्स डाइसी फॉर डेवलपिंग कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया विल फेस द इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज that will have cost of economy. India is a net importer of lot of fossil fuel. It imports 80% of all its petroleum demand, nearly 50% or more its gas demand, and a sizable amount of coal demand. Given this, it is India's interest to see how it can bring together industry leader and the financing ecosystem to channel resources to hasten the transition domestically and create jobs and industrial value add within the economy. इट्स हैपनिंग इन सम वे थ्रू दी PLI परफॉर्मेंस लिंक इनिशिएटिव। तो बोला जा रहा है आप इस फील्ड में काम करो, आपको इनिशिएटिव आपको इंसेंटिव मिलेगा, इनिशिएटिव नहीं इंसेंटिव।
scheme which speaks specifically to solar and battery technology, but it's not happening at a scale at which India needs it, primarily because the dependence on the current energy ecosystem is significant for revenues. India needs to be clear that the impact of climate change are going to be far more than what we have to gain by continuing this sustenance of fossil fuel. Harjeet, the LDF has only raised about dollar loss and damage fund. LDF ka matlab ho gaya aapka loss and damage fund has raised about $700 million when we require trillions to address the climate impact. Developing countries still do not seem to have the know how to effectively decarbonize several of their sectors. How could they then be expect to raise their ambition? तो जब लोगों को पता ही नहीं है तो अपना ambition कैसे वो ऊपर हाई कर दे, क्योंकि जो एटलीस्ट है अभी वही फुलफिल नहीं हो रहा, तो और ज़्यादा हाई टारगेट कैसे दे दें? तो ये हरजीत सिंह जी ने बोला है, वी आर नॉट हैप्पी विद द ओवरऑल आउटकम बट देर आर सेवरल रेफरेंस नाउ दैट 1.5 डिग्री सेल्सियस इन एनर्जी सेक्शन विच इज वॉट वी आर पुशिंग फॉर टॉकिंग अबाउट डीप रैपिड एंड सस्टेन्ड रिडक्शन इन ग्रीन हाउस गैस एमिशन 1.5 डिग्री सेल्सियस इज अ फंडामेंटल फॉर इंडिया बट more importantly for other vulnerable countries in Pacific and that also connects to your point on the LDF loss and damage fund. More fossil fuel and the emission equal more loss and damage, so more fossil fuel to more damage. What we got at COP28 was a compromise after 30 years. Yes, 700 million is not enough, but we see this is a major victory for क्लाइमेट जस्टिस मूवमेंट फॉर अ वल्नरेबल कंट्री. देखो जहाँ पे कुछ नहीं हो रहा था, कुछ तो हुआ. ग्लास को आधा देखो, ग्लास को आधा भरा देखो, आधा खाली देखो, या आधा भरा देख रहे हैं. इफ यू लुक एट अ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड डेवलपमेंट दैट द टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव कमिटमेंट हैज बीन डूइंग, दे हैव डिसाइडेड टू एस्टैब्लिश अ टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंटेशन प्रोग्राम एंड दैट हैज टू बी सपोर्टेड बाय द फाइनेंशियल मैकेनिज्म. This has been extremely slow for developing countries for a transition towards the renewable energy. It is absolutely critical that there are no trade barriers. It looks like a package developing countries really, really insisted upon it, and there is going to be some movement going forward. India is in a catch-22 situation on fossil fuel. While accepting the common but differentiated responsibility argument, is there anything that India could do more to address climate impact? क्या इंडिया और कुछ ज़्यादा कर सकता है? इट कम्स डाउन वॉट वी कंसिडर एज आर इकोनॉमिक पैराडीम ऑफ ग्रोथ. अनफॉर्चुनेटली वी आर स्टिल वीडेड टू अ नोशन ऑफ जीडीपी. कोल फॉर इंस्टेंस हैज एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज एंड इज वैल्यूड अराउंड ₹50,000 crore इन आउटपुट टूडे. द सोलर पीवी सेक्टर इज वैल्यूड एट ₹7,000 crore. आप देखो 7 times इससे बड़ा है. 7 times 49, 7 times अभी ये बड़ा है, ठीक है, करोड़, एंड ग्रोइंग विद इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी. सो कोल इज अबाउट 20 times द साइज ऑफ सोलर इकोनॉमी. अच्छा 20 times है, ठीक है. एज फार एज डोमेस्टिक वैल्यू इज कंसर्न, द बॉटम लाइन इज दैट वी नीड टू रन द इकोनॉमी, दैट द प्रॉब्लम इज दैट दिस सीम्स टू बी नैरो फोकस. वन कैन से दैट फॉर डेवलपिंग इकोनॉमी लाइवलीहुड मस्ट कम बिफोर इन्वायरमेंट. तो हाँ, जिंदा रहना तुम्हारे लिए, इन्वायरमेंट रख के क्या करोगे जब जिंदा नहीं रहोगे? तो जिंदा तो पहले तुम्हारे लिए लाइवलीहुड है. दिस इज द ट्रेड ऑफ that is always discussed, but it shouldn't be binary. For instance, our air quality standards are significantly more lax than what the World Health Organization puts on. Unless we start thinking about what is that we are getting from economic growth and how it speaks to equity of outcome of different parts of population, we will continue to prioritize what works for the majority. This may even be numerical majority. It may be majority in what they control some of the decisions that are being made. Each of the stakeholder is ultimately trying to make India's GDP grow. Okay? The government and stakeholder must come together to think the metric through which we should assess whether this next step that we are taking for economic growth also speaks for long-term environmental interest. देखो ठीक है, growth तो करना ही है, पर कुछ ऐसा growth करो ना जिसमें environment भी बचे. Simple सी बात. तो उससे भी जीडीपी बढ़ ही रहा है और इससे भी जीडीपी बढ़ेगी, सिंपल सी बात. तो सब लोग जीडीपी के बारे में सोच रहे, पर कहीं ना कहीं उसमें इन्वायरमेंट कंसर्न डाल देना चाहिए. आई वुड एग्री दैट इन्वायरमेंट हैज़ टू बी एट द सेंटर ऑफ आवर ग्रोथ पैराडाइम. द डिस्कोर्स ऑन डी ग्रोथ हैज़ बिगन. ऑफकोर्स द रिच कंट्रीज हैव टू डू मोर. आई एम नॉट ट्राइंग टू अप्लाई दैट फॉर डेवलपिंग कंट्रीज वेयर मिलियंस स्टिल डोंट हैव एक्सेस टू एडिक्वेट इलेक्ट्रिसिटी ऑन अदर एनर्जी सोर्सेज, बट इंडिया
must have its own developmental paradigm and not blindly follow the same model that has brought destruction. ठीक है, ये साफ बोल रहे हैं, ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, डेवलप्ड कंट्रीज को ही ज़्यादा करना चाहिए. सम माइट से दैट इंडिया विल सून बी अ $3 trillion इकोनॉमी एंड सो मस्ट इट कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स लॉस डैमेज. दिस इज अ डाइकोटमी दैट इंडिया हैज़ ऑलवेज फेस्ड. इट्स अ रीजनल पावर एंड एन इमर्जिंग इकोनॉमी. स्मॉलर डेवलपिंग कंट्रीज लुक अप इंडिया इंडियाज लीडरशिप फॉर द रीजन आई थिंक इंडिया मस्ट इंश्योर दैट इट इज एबल टू ट्रांसफर अ लॉट ऑफ इट्स लर्निंग टू अदर इकोनॉमीज. नाउ वेदर दैट शुड spill over in economic realm and his ability to contribute to LDF for poorest economies, I think India does contribute in its own way. India has assisted Sri Lanka's Eastern Africa. It wields enormous soft power in the region. For instance, at IIT Madras campus was inaugurated in Zanzibar recently. India has a responsibility and it will contribute towards the soft power. But when it comes to monetary contribution to the loss and damage fund, there are concerns of India which aren't seeking the kind of financial assistance they need. So the imperative is for a clarity to begin at home. In the last 2 years, India's engagement in the development of LDF has increased. The National Disaster Management Authority has a role to play in the adaptation and the loss of damage negotiator. There was a natural tendency to think that India is going to drawing money from the LDF. The expectations of Pacific nation and other vulnerable countries has been that India will be contributing. India, being a large country, must engage with the process that India did in making sure the fund is robust. But India has a lot to contribute and not just monetary terms. It must be part of Santiago network. India must also learn a lot. There are countries like Bangladesh who have done a lot more on disaster management. So, आप देखिए, हमने काफ़ी बड़ा आर्टिकल था, सारे क्वेश्चंस देख लिए हमने, जो भी आपके यहाँ पे क्वेश्चंस लोगों से पूछा गया, क्या इंडिया सफिशिएंटली काम कर रहा है, लॉस एंड डैमेज फंड में देना चाहिए, सिचुएशन क्या है, और लॉस एंड डैमेज फंड क्या जो अभी अलोकेट हुआ है वो कम है ज़्यादा है, आउटकम्स क्या है, और UAE कंसेंसस से क्या आप लोग के थॉट्स क्या है, आप लोग ओके हो. देखो, एक पॉजिटिव व्यू लेके हमें आगे चलना है, इस आर्टिकल से इतना समझ में आया, पॉजिटिव व्यू लेके आगे बढ़ो, और जो चल रहा है काम को और थोड़ा सा इन्वायरमेंट के तरफ में अपना टिल्ट किया जाए काम को. और बाकी इंडिया अपना काम बहुत अच्छे से कर रहा है, और इंडिया बस पैसे की बात नहीं है, इंडिया बहुत अलग अलग तरीके से इंगेज कर रहा है विद द वर्ल्ड इन मैटर्स ऑफ इन्वायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट. एंड इंडिया नीड्स टू लर्न अ लॉट अगेन, कि वंस यू स्टॉप लर्निंग तो आप वहाँ पे स्टेगनेंट हो जाते हो. ठीक है, इंडिया अच्छा कर रहा है, बट अभी भी इंडिया को बहुत चीज़ें सीखनी है. सो थैंक यू गाइस, प्लीज़ वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स. थैंक यू.